इंदिरा, मैं आज तक तुम पर बहुत चीखा चिल्लाया, गधे की तरह काम करवाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो चूजा नाराज थोड़े ही होता है। तुम खड़े क्यों, बैठो ना। अरे नीचे नहीं ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, आपके साथ बैठूं इतनी मेरी मजाल नहीं है। तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? नहीं नहीं साहब, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो यार, पीने में जात और औकात थोड़ी देखी जाती है। ये ला। नहीं यार, आपकी इज्जत की खातिर पी रहा हूं। एक बार बताओ मिंदर, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, फिर ये जिल्लत भरी गुलामी करके अपनी जिंदगी की मिट्टी पलीद क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, बंदूक लेकर चंबल का डाकू बन जाऊं क्या? मैं मतलब चंबल का डाकू बन जाऊं क्या सरकार? एक काम कर सकते हो जी, कोई काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ, ये लो। नहीं नहीं सर, लो यार, मुझे नहीं चाहिए। रखो लो। अब एक बात बताओ मित्रा, ये जो लड़की अभी आई थी, ये सब रखी गई है, ये कैसी है? लड़की जैसी है। अरे वो तो मुझे ही मालूम है यार, मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जालिम सिंह से पूछकर बताऊंगा। जालिम सिंह कौन? इस काम वाली का मर्द है। मर्द? कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने भी इससे ही पूछा था, तो जालिम सिंह ने उसके हाथ पांव काट दिए थे। आजकल जेल में है, 28 तारीख को छूट कर आ रहा है। आज क्या तारीख है? 26, परसों। तो मिलिट्री, चल एक सिगरेट दे। मिलिट्री सिगरेट देना। अरे जल्दी काट। जलाएगा कौन तेरा बाप? अरे तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, तू कुछ बोला था ना? अरे नहीं भाई, बोल रहा था ना, मुंह से निकल गया यार, जानते ना बाद में दम नहीं है। चल शराब डालो। और एक मिनट, तू ज्यादा मत पी, तेरे हो गई है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? जब तू कहेगा पीना शुरू कर दूं और जब तू कहेगा मैं बंद करना शुरू कर दूं। देख तू बदतमीजी करने लगा है। अरे बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? पहले तू आके मुझे कहता है कि गांव की छोकरी के साथ मेरा काम करवा, और उसके बाद तू कहता है कि गांव वालों के साथ लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता है। ये तुम लोग जो इस तरह के लोग, कभी कभी मत लाना ख्याल दिल में, कभी ना। नमस्ते, 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 नमस्ते। वेलकम मोहन। हेलो भरत। हेलो, कैसी हो? अच्छी हूँ। मोहन कहाँ है? लीजिए ना, लीजिए।
आइए जी। नमस्ते। नमस्ते जी। भैया ये मेरी ननद उषा है। अच्छा। मेरी शादी के टाइम ही अमेरिका में थी। हाँ। अब आइए तो आप लोगों से मिलवाने के लिए लाई हूँ। अच्छा। ये करण भैया, ये बरन भैया। नमस्ते। अरे हीरा जी। भैया भैया दो कोल्ड ड्रिंक दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। भाभी ये कौन है? इनसे तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये कोई वीआईपी नहीं है जिनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया जाए। किसी काम के लायक नहीं है ये, इसीलिए नौकर की तरह जी रहा है। थैंक यू। हीरा जी एक मिनट रुकिए। माधुरी, कविता, रानी जरा यहां आना। मैं आप लोगों से कह रही थी ना, एक इंपॉर्टेंट आदमी से मिलवाती हूँ। यही है वो, हीरा ठाकुर। हीरा जी ये मेरी सहेलियां हैं, माधुरी, कविता, रानी, सीता। ये देखने में जितने सिंपल हैं, उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी। अगर हम लोग किसी को भीख देंगे तो क्या देंगे? रोटी, पैसा, कपड़ा, ये ज्यादा से ज्यादा उसे अपने घर में पालेंगे। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। उस भीख को लेने वाले इनके एहसान को भूल गए, मगर इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। इतनी महान है ये। आप जाइए ना, आओ हम चलते हैं। क्या बात है गौरी? दीदी ये कौन है? ये अपनी उर्मिला की ननद है, आईएएस कर रही है। ओ इसीलिए इतना कर रही है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गवर्धजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरुहरि ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। क्या बात? क्या बात करने के लिए आपने मुझे यहां बुलाया? वही सोच रही हूं कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। जो भी कहना है साफ साफ कह दीजिए ना। मुझसे शादी करेंगे? मुझे आपकी खूबियां और अच्छाइयां भा गई हैं। घर चलिए, आपके माँ पिताजी बहुत परेशान होंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। अनपढ़ के पास पढ़े लिखों के सवाल का जवाब नहीं होता। होता है। मैं आपके टूटे दिल पर तरस खाने नहीं आई, बल्कि इसलिए आई हूं कि आपसे जुड़ने के बाद कभी मेरा दिल नहीं टूटेगा। देखिए, मेरा मेरे परिवार और तकदीर दोनों से अनबन है। मुझसे गम या खुशी कोई भी चीज संभाली नहीं जाती। गौरी आपकी जिंदगी से जा चुकी है, फिर भी आप उसकी यादों को संभाले हुए हैं, फिर मेरा प्यार क्यों नहीं संभलेगा? मैंने गौरी को भुला दिया है। नहीं, गौरी ने आपको भुला दिया है। प्यार दो दिलों की दास्तान है, ऐसे साथी के जाने का क्या गम जिसके पास दिल को समझने वाला दिल ही ना हो। गौरी की गलतियों को अपने सर लेकर आपने उसका भला ही चाहा। आपकी यही खूबी मुझे आपके करीब ले आई। मुझे आपसे प्यार हो गया है, आप मेरे साथ वो मत कीजिएगा जो गौरी ने आपके साथ किया। थोड़े दिनों में बहुत से सपने देख लिए मैंने, अब नींद से जगाना या नींदे उड़ाना आपके हाथ में है। कल सुबह मैं इसी जगह आपका इंतजार करूंगी।